हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अमित कपूर। आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ वीकली फोरकास्ट। माय ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन, नॉट फॉर योर मून साइन एंड नॉट फॉर योर जॉडिक साइन। ये वीक 22nd ऑफ जनवरी 2018 से लेकर 28th ऑफ जनवरी 2018 तक है। मेरी सारी प्रेडिक्शन, मेरी सारी भविष्यवाणियाँ आपके लगन राशि पर आधारित हैं, ना कि आपके मून साइन और ना ही आपके जॉडिक साइन पर। लेट्स स्टार्ट फॉर द एरिस असेंडेंट। फॉर एरिस असेंडेंट्स 22nd ऑफ जनवरी 2018 से लेकर 28th ऑफ जनवरी 2018 तक आपका रूलिंग प्लैनेट, लगन का लॉर्ड, असेंडेंस का लॉर्ड मार्स आपके 8th हाउस पर ट्रांजिट करेगा। बॉस, इस वीक में आपके कंफर्ट्स बढ़ेंगे, आपके रुके हुए काम सिरे चढ़ेंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपका पीस ऑफ माइंड मिलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स हो सकती हैं। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीक बड़ा पॉजिटिव है। एरिस असेंडेंस, इस वीक में आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स दें। बहुत सबसे पहले, जैसे कि मैं रिपीट कर रहा हूँ हर बार, एरिस असेंडेंस के लिए हनुमान जी की भक्ति करनी, ट्यूसडे वाले दिन और सैटरडे नाइट वाले दिन हनुमान जी के टेम्पल में जाना। और सबसे पॉजिटिव एरिस असेंडेंस के लिए गाइस, आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, विल पावर की कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो आपके डिसीजंस लेने की, अपने डिसीजंस को डिले मत करें। ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। मार्स का ट्रांजिट आपके 8th हाउस में, स्कॉर्पियो साइन में, अपने खुद के साइन में आपके लिए बहुत रिवार्डिंग जाने वाला है। वैसे भी जुपिटर का 7th हाउस में ट्रांजिट आपके असेंडेंस को देख रहा है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, फेम बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी, जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे डेवलप होंगे। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। एरिस असेंडेंस आपके लिए एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, इस वीक में आपके द्वारा उठाया गया कोई भी डिसीजन बिजनेस रिलेटेड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा और आपको बहुत ज्यादा नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉरस असेंडेंस। फॉर टॉरस असेंडेंस 22nd ऑफ जनवरी 2018 टू 28th ऑफ जनवरी 2018 गाइज, आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है वीनस। प्रॉस्पेरिटी में राइज है, कंफर्ट्स में राइज है, आपको प्रोफेशनली बहुत अच्छे डीलिंग्स आपकी हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ सकते हैं और वो कॉन्टैक्ट नियर फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा और फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाले हैं। आपके असेंडेंस से, आपके असेंडेंस का लॉर्ड 9th हाउस में केतु के साथ इस समय ट्रांजिट कर रहा है और वहीं पर सन भी आपके ट्रांजिट कर रहे हैं। गाइज, ये वीक आपके लिए कुछ करने वाला है। नो डाउट आपके असेंडेंस से सैटर्न 8th हाउस पे चल रहा है, जिस वजह से कामों में थोड़ी सी रुकावट और थोड़ा सा डिले जरूर है, लेकिन राइजिंग और अचीवमेंट बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस है। बॉस, इस समय में आप जितने एफर्ट्स डालोगे उतना ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द जेमिनी असेंडेंस। जेमिनी असेंडेंस आपके लिए 22nd ऑफ जनवरी 2018 से 28th ऑफ जनवरी 2018 में मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट, आपके असेंडेंस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न के साथ। इस वीक में वो 21 डिग्री से लेकर 27 या 28 डिग्री तक ट्रांजिट करेगा। गाइस, आपके लिए वीक बहुत रिवार्डिंग जाने वाला है। एनर्जी बहुत अच्छी फील करेंगे, ऑरा पॉजिटिव रहेगा, बिजनेस डील्स नहीं हो सकती हैं। जो काम आपके पिछले कुछ वीक से डिले हो रहे थे, वो इस वीक में आपके एफर्ट्स करने के बाद आपको उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगा। जिन लोगों का पैसे से संबंधित कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। ओवरऑल गाइज, ये बहुत ही पॉजिटिव पीरियड है। इस वीक में आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स, आपके द्वारा गए जिसको बोलते हैं बिजनेस रिलेटेड कोई भी लिए गए डिसीजंस आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। जेमिनी असेंडेंस आपके लिए दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर हैं। आपके लिए जितनी ज्यादा आप काली माता की उपासना करेंगे, गणेश जी की उपासना करेंगे, वेनसडे वाले दिन गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएंगे, ओम गण गणपताये नमः का जाप करेंगे, उतना ज्यादा ये वीक आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द कैंसर असेंडेंस। फॉर कैंसर असेंडेंस 22nd ऑफ जनवरी 2018 टू 28th ऑफ जनवरी 2018 गाइस, आपके लिए ये वीक थोड़ा सा स्ट्रगलसम है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हो। राहु का आपके असेंडेंस में ट्रांजिट, केतु का सन के साथ और वीनस के साथ आपके 7th हाउस में ट्रांजिट। जो लोग अनमैरिड हैं और जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, कैंसर असेंडेंस के लोग, उनके लिए पीरियड ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं है। आपको कुछ भी आगे से चीटिंग मिल सकती है या आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता, तो बेटर है कि आप शादी के या किसी किस्म का कोई आने वाले लाइफ से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर आप 10-15 दिन रुक के लेंगे तो आपके लिए प्लैनेट्स आपकी फेवर में होंगे। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये पीरियड ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। कन्फ्यूज़न है, डिले है, आप जैसी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हुए हो वो आपकी फुलफिल नहीं होंगी।
कैंसर असेंडेंस राहु का आपके असेंडेंस में ट्रांजिट कहीं ना कहीं पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी थोड़ा सा स्ट्रगलसम है। पैसा ज़रूर आएगा लेकिन सेविंग्स इस वीक में ज़रा भी नहीं है, ओवर एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। अब ऐसा क्या करें जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले और हमारा ऑरा पॉजिटिव रहे? गाइस, सबसे पहले आपको शिव जी की उपासना करनी है। रोज़ सुबह जल्दी उठकर आपको शिव चालीसा का उच्चारण करना है। जितना ज़्यादा आप शिव चालीसा का उच्चारण करेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स आप यूनिवर्स में भेजेंगे, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप वहाँ से पाएंगे। कैंसर असेंडेंस, ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग समय है। आपका असेंडेंस और आपका सेवंथ हाउस राहु केतु के ट्रांजिट से इस समय इफेक्टेड है। गाइज, इस समय में कोई भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, और जिनके ऊपर राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है उनके लिए ये पीरियड ज़्यादा स्ट्रगलसम है। शिव जी की उपासना करना, एवरीडे मॉर्निंग शिव टेम्पल में जाना, गाइज आपके लिए कैंसर असेंडेंस के लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही रिवार्डिंग रहेगा। जितना ज़्यादा आप शिव जी की वर्शिप करेंगे उतना ज़्यादा डिवाइन ग्रेस आपके फेवर में होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर द लियो असेंडेंस। फॉर लियो असेंडेंस 22 जनवरी 2018 to 28 जनवरी 2018, आपके असेंडेंस का लॉर्ड आपके सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा वीनस केतु के साथ, और राहु का एस्पेक्ट आपके असेंडेंस के लॉर्ड पे होगा। अगर देखें ट्रांजिट की पोजीशन को तो आपके असेंडेंस का लॉर्ड इतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में 14th फैब तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु के एक्सिस में है। बट असेंडेंस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में होने की वजह से जो लोग डेप्थ से रिलेटेड कुछ परेशान हैं उनको कुछ स्ट्रगल करने के बाद उनका डेप्थ क्लियर होगा। जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनको लोन मिलेगा। अपने आप एनिमीज इस समय आपके ऊपर थोड़े से हावी रह सकते हैं। आप अपने एनिमीज को दबाने के लिए आदित्य हृदय स्रोत्र का पाठ करें, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें। जितना ज़्यादा आप अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेंगे और उनकी एडवाइस से चलेंगे, लियो असेंडेंस ये वीक उतना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लियो असेंडेंस, असेंडेंस का लॉर्ड पीड़ित होना, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, प्लानिंग्स आपके माइंड में बहुत चल रही हैं क्योंकि ट्रांजिट के बाकी सारे प्लैनेट आपकी फेवर में हैं। जैसे ही 14th फैब निकलेगा आपके काफ़ी रुके हुए काम क्लिक होंगे जिसमें फाइनेंशियल टाई अप्स बेटर होंगे। आपका आने वाला फ्यूचर लियो असेंडेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो इस वीक में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फॉर ए टाइम बीइंग ट्रांजिट में प्लैनेट्स की पोजीशन की वजह से कुछ नेगेटिव एनर्जी आप फील करोगे, बट ओवरऑल आने वाला फ्यूचर लियो असेंडेंस आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। लेट्स स्टार्ट फॉर द विर्गो असेंडेंस। फॉर विर्गो असेंडेंस, यूर असेंडेंस लॉर्ड ट्रांजिट इन दिस वीक फ्रॉम 22 जनवरी 2018 to 28 जनवरी 2018, मरकरी ट्रांजिट इन यूर फोर्थ हाउस विद सैटर्न। अगर डिग्री के लिए देखें तो इस वीक में जो लोग कुछ लोग प्रॉपर्टी सेल परचेज के बारे में सोच रहे हैं उनका काम क्लिक होगा, कुछ लोग व्हीकल सेल परचेज के बारे में सोच रहे हैं उनका काम क्लिक होगा। विर्गो असेंडेंस आपके लिए ये पीरियड जो है, ये वीक जो है, कुछ रिवार्डिंग रहेगा। आपके बिजनेस टाई अप्स इंप्रूव होंगे, फाइनेंशियल टाई अप्स आपके बेटर होंगे, फैमिली एटमोसफेयर आपका बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर कुछ नेगेटिव मुझे इस वीक में दिखता है तो आपके मदर की हेल्थ आप बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलें। अगर आपको कुछ 19-21 उनकी हेल्थ में कुछ दिक्कत है, ट्रबल दिख रही है, तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि मरकरी का फोर्थ हाउस में सैटर्न के साथ ट्रांजिट इस वीक में कहीं ना कहीं पर आपकी मदर रिलेटेड आपको टेंशन या परेशानी दे सकता है। तो गाइज, आपके लिए क्योंकि आपके फोर्थ हाउस में मरकरी है, ऐसी कौन सी रेमेडी की जाए जिससे किसी भी नेगेटिव प्लैनेट का प्रभाव इस वीक में आपको ना मिले? बॉस, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गणेश जी की उपासना करना। सेकंड आपकी सबसे पॉजिटिव रेमेडी है इस वीक में सैटरडे नाइट को काली माता को बर्फी का भोग लगाना। जितना ज़्यादा आप काली जी की उपासना करेंगे, गणेश जी की उपासना करेंगे, उतना ज़्यादा फॉर्चून आपका शाइन करेगा और आपको राइजिंग मिलेगी। लेट्स स्टार्ट फॉर द लिब्रा असेंडेंस। फॉर लिब्रा असेंडेंस, योर रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट इन दिस वीक इन योर फोर्थ हाउस विद सन एंड केतु एंड रिसीविंग एस्पेक्ट फ्रॉम द राहु। गाइज, आपके लिए प्लानिंग्स बहुत चल रही हैं माइंड में, एग्जीक्यूशन भी हो रहा है, लेकिन आपका वीनस, आपका असेंडेंस का लॉर्ड राहु केतु के एक्सिस में होने की वजह से कुछ डिले है। आपको कुछ अपने एग्जीक्यूशन किए हुए प्लान कुछ धुंधले लगेंगे, बट ये सब कुछ फॉर ए टाइम बींग है। आपके लिए प्लैनेट्स इस साल 2018 में बहुत ही पॉजिटिव हैं। इस वीक की अगर बात करें तो इस वीक में आपको दो चीज़ों का ध्यान रख के चलना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, टेक इट ईजी। आने वाला समय आपके बहुत फेवर में आने वाला है। लिब्रा असेंडेंस आपके लिए एक बेस बन रहा है आपका आने वाले फ्यूचर को और ज़्यादा बेटर करने के लिए। आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेंगे, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपका फेम बढ़ेगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। लेकिन इस वीक में 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक अगर हम देखें तो आप जितना अलर्ट होकर चलोगे, स्लो मूविंग चलोगे, उतना ज़्यादा फॉर्चून आपके लिए वर्क करेगा और आपके रुके हुए काम सारे क्लिक होंगे। बट एक चीज़ गाइस याद रखना,
समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हमें गाइड करेगी कि हमें कौन से समय में क्या काम करना है। एस्ट्रोलॉजी किसी का फॉर्चून या भाग्य चेंज नहीं कर सकती। कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। वी ऑल आर द टेलर ऑफ द फॉर्चून। सब किस्मत को बताने वाले हैं, ना कि कोई किस्मत बदलने वाला है। सो गाइज, एफर्ट्स आपके हैं, हार्डवर्क आपका है, रिजल्ट आपका फॉर्चून आपको देगा। स्टार्ट फॉर द स्कॉर्पियो एसेंडेंस। फॉर स्कॉर्पियो एसेंडेंस फ्रॉम 22nd of January 2018 टू 28th of January 2018, यूर रूलिंग प्लैनेट मार्स ट्रांजिट इन यूर एसेंडेंस। गाइज, इट्स अ वंडरफुल वीक फॉर स्कॉर्पियो एसेंडेंस। आपके लिए प्रोस्पेरिटी में राइज है, फैमिली एटमोसफेयर बहुत अच्छा है, हेल्थ बहुत अच्छी अब फील करेंगे, आपको बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं, फेम और प्रोस्पेरिटी में राइज हो सकता है, अर्निंग बढ़ सकती है, अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकती है, अर्नड मनी आ सकती है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए पीरियड बड़ा रिवार्डिंग है। स्कॉर्पियो एसेंडेंस आपके लिए, एसेंडेंस में मार्स का होना आपके फेम और प्रोस्पेरिटी में राइज करेगा, आपके गुड लक को और ज़्यादा तेज करेगा, आपके रिलेशनशिप और अच्छे डेवलप करेगा और नियर फ्यूचर में आपको उन रिलेशनशिप से बहुत अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। स्कॉर्पियो सेंडर्स इस वीक में अब जो सोच रहे हो उसको सोचो नहीं, उसको एग्जीक्यूशन में डालो। आपके असेंडस में मार्स की प्रेजेंटेशन आपके फॉर्चून में चार चांद लगा रही है। अगर कुछ नेगेटिव है मार्स का यहाँ पर, तो आप जो लोग बीपी से रिलेटेड, जिनको हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ ट्रबल है, उनके लिए वीक ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा। यू शुड टेक मेडिसिन और योर टाइम एंड यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम योर नियरेस्ट डॉक्टर, बिकॉज मार्स का असेंडस में ट्रांजिट कहीं ना कहीं पर आपको थोड़ा सा बीपी से रिलेटेड ट्रबल दे सकता है। ओवरऑल फाइनेंशियल टाई अप, बिजनेस और फैमिली लाइफ के लिए वीक आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी वाला है। लेट्स स्टार्ट फॉर द कैप्रिकॉर्न एसेंडेंस। फॉर कैप्रिकॉर्न एसेंडेंस फ्रॉम 22nd of January 2018 टू 28th of January 2018, गाइज आपके लिए जो पीरियड है, सन का, केतु का और वीनस का आपके असेंडेंस में ट्रांजिट, कहीं ना कहीं पर आपकी चीज़ें डले हैं, कहीं ना कहीं पर आपकी चीज़ें कुछ रुक रही हैं, कुछ डिले हो रही हैं। आपके हिसाब से, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी जॉब में वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो आप डिजर्व करते हो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2018 कैप्रिकॉन के लिए कुछ पॉजिटिव ईयर आने वाला है, बीते दो सालों से बेटर रहेगा ये ईयर। इस वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक में आपके लिए अपनी विल पावर के साथ और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस वीक को एंजॉय करना आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है। कैप्रिकॉन्स, मैंने अक्सर देखा है जब कुछ स्ट्रगल आती है तभी इंसान के अंदर की काबिलियत बाहर निकलती है, तो ये वीक आपके लिए कुछ स्ट्रगलसम ज़रूर है, लेकिन क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन आपके लिए कुछ फेवर में बन रही है, जिस वजह से उस स्ट्रगल से रिलेटेड आपको किसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम आती हुई मुझे नहीं दिखती। जो भी प्रॉब्लम है वो फॉर ए टाइम बीइंग है, क्योंकि मैं सबके लिए यही बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे प्लैनेट आने वाले समय में मूव कर रहे हैं आगे, जैसे सन एक्वेरियस में जाएगा और वीनस अपना साइन चेंज करेगा, मरकरी साइन चेंज करेगा, ट्रांजिट बहुत ज़्यादा बेटर होता जाएगा और कैप्रिकॉर्न असेंडेंस आपको उतनी ही ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलती जाएंगी। लेट्स स्टार्ट फॉर द एक्वेरियस असेंडेंस। एक्वेरियस असेंडेंस आपके असेंडेंस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, आपके 10th हाउस में मार्स ओन साइन में ट्रांजिट कर रहा है। गाइस, ये वीक आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ को लेके बहुत ही रिवार्डिंग जाने वाला है। फेम में राइज है, अर्निंग है, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से अर्निंग है, अनअर्नड मनी मुझे आपको इस वीक में आती हुई दिखती है, हिडन सोर्स से मनी आती हुई दिखती है, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, एक्सपेंडिचर्स आपके कम रहेंगे। ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव वीक है। इस वीक में आप कुछ नए डिसीजंस ले सकते हो, जो डिसीजंस आपके बिजनेस में चार चांद लगाएंगे। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये समय आपके लिए कुछ प्रैक्टिकली करने का है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली करोगे उतना ज़्यादा फॉर्चून आपके फेवर में रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए वीक बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स वाला है। जो लोग फॉरन से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं उनको फॉरन से बहुत अच्छा ऑर्डर मिलने वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, इवन फॉरन ट्रैवल भी मुझे एक्वेरियस असेंडेंस के लिए बनती हुई दिखती है। गाइज, आपके लिए वैसे ही एक्वेरियस असेंडेंस ट्रांजिट में पोजीशन प्लैनेट्स की आपके लिए बहुत फेवर में है। जिन लोगों के ऊपर जुपिटर की, मार्स की या सैटर्न की दशा चल रही है एक्वेरियस असेंडेंस, उनके लिए तो ये गोल्डन पीरियड है। लेट्स स्टार्ट फॉर द पाइसेस असेंडेंस। फॉर पाइसेस असेंडेंस 22nd of January 2018 टू 28th of January 2018, इस वीक में आप सबसे पहले अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ आप सावधान रहें। मुझे ट्रांजिट के हिसाब से आपकी हेल्थ इस वीक में पॉजिटिव बनती हुई नहीं दिखती। आप काफ़ी नेगेटिव ऑरा फील करेंगे, स्टमक रिलेटेड, बैक बोन रिलेटेड, लेफ्ट आई रिलेटेड मुझे ट्रबल बनती हुई दिखती है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस को लेकर चलें तो ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। जुपिटर का आपके सेकेंड हाउस में आस्पेक्ट आपको फ़ौरन से कुछ ना कुछ गेन करवाएगा, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आपको अर्निंग होगी। बट अगर कुछ नेगेटिव है इस वीक में तो वो है आपके द्वारा लिए गए लूज डिसीजंस।
जो पास्ट में आपने कुछ लूज डिसीजन लिए हैं वो आपको इस वीक में कुछ टेंशन और कुछ स्ट्रगल में डाल सकते हैं। ओवरऑल प्लैनेट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बिजनेस में आप जो करना चाहते हो आपको बहुत अच्छा नेम फेम और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। गाइज आपके लिए ये वीक बहुत ही रिवार्डिंग जाने वाला है। जो लोग प्रोफेशन अपना बिजनेस करते हैं, जो लोग बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उनके लिए वीक बहुत रिवार्डिंग है। ट्रांजिट पूरा आपके फेवर में है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और विष्णु जी की उपासना करते रहें। थर्सडे वाले दिन 4 किलो चने की दाल आप विष्णु जी के टेम्पल में डोनेट करें। जितना ज्यादा विष्णु जी की उपासना करेंगे ये वीक उतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी वाला होगा। नो मोर अबाउट दिस वीकली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।